तो अगर आपको जानना है कोलकाता का पॉपुलेशन, तब गैर कानूनी है यार कि जो यहाँ के लोकलाइट है उनको यहाँ पे बिहारी लोगों का थोड़ा गुस्सा आता है। आप ऐसा हेल्प क्यों कर रहे हैं हमारी? आप अजनबी हो, आपका हेल्प करना, अजनबी हो आपका हेल्प करना हमारा काम है, ऐसा बोल रहे भैया। नो वीडियो टेक, ओके। सो वीडियोस लेना अलाउड नहीं है, बट हम पहुँच गए। सो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक एंड हैव सम टाइम डिस्कशन। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप सो आप लोग ठीक हो, हेल्दी वेल्दी, मतलब एक नंबर क्लास हो। तो फिलहाल हम हैं कोलकाता में एंड वी आर ट्राइंग टू हीड टू मदर तेरेसा। मदर तेरेसा कौन है आपको पता होगा, बट कोलकाता में मैंने अभी एक दो जनों को पूछा अबाउट मदर तेरेसा, वो बोल रहे थे कि मदर तेरेसा नाम तो सुना है बोले, बट पता नहीं बोले कौन है। मतलब कोलकाता में होने के बावजूद बहुत लोगों को मदर तेरेसा नहीं पता, बट अगर आपको पता है तो हम जा रहे हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या देखने मिलता है। तो स्टे ट्यून। मदर तेरेसा का नहीं पता ना आपको? देखो, मदर तेरेसा का नहीं पता है, बहुत लोगों को इधर मदर तेरेसा कौन है वो भी नहीं पता। यहाँ से मदर तेरेसा का वो सिग्नल, मदर तेरेसा के पास में, आपको पता है मदर तेरेसा? बंगाली में बोलना पड़ेगा मदर तेरेसा। 24/1 वहाँ पे जो आगे वाला आ रहा है 24/1, तो 24/1 बस बोल रहे हो। मदर तेरेसा के स्पॉट पे जाने के लिए मुझे सीरियसली एड्रेस कुछ पता नहीं। आप अगर आओगे यहाँ पे और अगर मदर तेरेसा के वहाँ पे जाना है तो आप किसी को भी पूछ के चले जाना, बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उनको ही नहीं पता। वो मदर तेरेसा के उधर जाएंगे क्या? मदर तेरेसा के सिग्नल पे चल चल, चाहे बीच है पता नहीं, अपने को कुछ भाई बहन चढ़ हो गए। मुझे लगा पहले एसी वाली होंगी, बाद में आने के पता चला भाई एसी नहीं, वो डिग्री थी सामने से एसी। तो काफ़ी ज़्यादा रश दिख रहा है फिलहाल अपने को बस में। ₹10 ₹20 वो आगे क्या हमारा सिग्नल। ओके, तो अगर आपको जानना है कोलकाता का पॉपुलेशन, भाई लोग 1.5 करोड़ प्लस है कोलकाता का पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे आपको पॉपुलेशन मिलेगा। आगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सस्ता है यहाँ पर। साउंड पोल्यूशन एक नंबर। प्रिंसिपल रॉय उसमें आपको लाइन में उतारेगा, आप बोर्ड को बोलाना सामने नजर आएगा। आप ऐसा हेल्प क्यों कर रहे हैं हमारी? आप अजनबी हो, आपका हेल्प करना, अजनबी हो आपका हेल्प करना हमारा काम है, ऐसा बोल रहे भैया। पता नहीं, हमने सिर्फ एड्रेस पूछा, वो यहाँ तक छोड़ना है बोले, बस में बिठा के आपको वहाँ तक पहुँचाने बोलता हूँ मैं बस ड्राइवर को। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। वो भाई ने हमारे को यहाँ पे छोड़ दिया, मतलब यहाँ तक आके बैठ जाते। भाई बच गया, मतलब इट्स नॉट अ जोक टू ट्रैवल इन कोलकाता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, बट चलो मिल तो गई अपने को डेस्टिनेशन अपनी, मतलब प्रॉपर एड्रेस। तो जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं ना भाई, ट्रैवल करते हो तो अपने को मिले अपने पुणे के भैया। क्या नाव आहे तुमचं? माझं नाव स्वप्नील। स्वप्नील भाऊ भेटले आपल्याला, आणि आपलं मराठी गोष्टी जे चालू आहे आपल्या बेंगॉलमध्ये, तर एक नंबर वाटत आहे। छान वाटलं ना तुम्हाला? मला खूप छान वाटलं ऍक्च्युली। बसमध्ये आम्ही इन्सिडेंटली भेटलो आणि माझ्या बाजूला हे दोघं जण मराठीत बोलत होते, एकदम छान वाटलं। थँक्यू सो मच। तर ते विचार करत होते, लय भारी राईट। तर आम्ही मराठीमध्ये बोलत होतो ना मी आणि ईशांच्या, तर म्हणे तुम्ही कुठचे आहे म्हणे? आम्ही महाराष्ट्रात मी पण म्हणे पुण्याचा, म्हणजे खूप जवळपास पुण्याला शिकलोय मी, पिंपरी चिंचवडला DY पाटीलला। माझं DY पाटील ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे। चलो थँक्यू, चलो थँक्यू सो मच। मारते रे भाई। तो भाई बच के रहना कोलकाता में। अभी अंकल ने तो मारी डाला था हमारे को। ये यहाँ से निकलना है, यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ से हम आ गए इस पार। तो जैसे हमारी अभी बात हो रही थी स्वप्निल भाई से जो अभी मिले आप हमारे को, हम बोले यार कुछ लोग यहाँ के बहुत रूड है बात करते हैं। तो वो बोल रहे थे कि जो यहाँ के लोकलाइट है उनको यहाँ पे बिहारी लोगों का थोड़ा गुस्सा आता है। अब पता नहीं क्यों, बट आता है क्योंकि यहाँ पे बिहारी लोग ज़्यादा है। तो हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो वो अपने को जवाब नहीं देंगे या अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो ऐसा सब होता है। ये इन्फॉर्मेशन मिली हो सकती गलत है, बट जो मिलता है भाई मैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। तो भाई अपने को मिले अपने नागपुर के भाई यहाँ पर, और इन्होंने अपने को एड्रेस बता दिया क्योंकि एड्रेस का बहुत कन्फ्यूजन था अपने को। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, बाय बाय। यहाँ पे रहते थे मदर तेरेसा। तो यहाँ पे अपनी एंट्री होगी पहली बार, नो वीडियो टेकिंग, ओके। सो वीडियोस लेना अलाउड नहीं है, बट हम पहुँच गए, सो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक एंड हैव सम टाइम विद देम। एंट्री करने के बाद आपको ऐसा कुछ व्यू मिलेगा, यहाँ पर फोटोग्राफ्स लेना अलाउड है बट वीडियोस लेना अलाउड नहीं है। कुछ कुछ वीडियोस मैंने लेने की कोशिश किया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको स्लीपर्स निकाल कर अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर बैठ के कुछ लोग अपना सोचते हैं अबाउट मदर टेरेसा। ये मदर टेरेसा की टूम और यहाँ पे गैलरी, फोटोज एंड एग्जीबिशन है जहाँ पर लोग आकर मदर टेरेसा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और काफी सुंदर है दोस्तों। अगर आप कोलकाता आते हो तो यहाँ पर जरूर विजिट करना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तेरेसा तो ना रहे बट यहाँ पर आपको उनकी हर एक चीज देखने मिलेगी। दिस वॉज द रूम वेयर मदर टेरेसा वॉज लिविंग। सो फाइनली हम आ गए हैं बाहर। यहाँ से यही गली है जहाँ से मदर टेरेसा आना जाना करते होंगे उस टाइम पे। और यार मानना पड़ेगा कि बाहर का कोई आके इंडिया में अपने भारत के लोगों के लिए कुछ किया है, रियली हैट्स अप। और ऐसे लोगों को जो लोग सेवा करते हैं और जो लोग किसी और के लिए जीते हैं। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया। टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय, थैंक यू। तो यहाँ पे ऐसे आदमी लोग लेके जाते हैं रिक्शा में। बस ऑफ अंधेरा मुझे आपको रिवर दिखाते नहीं आ रहा बट रिवर भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो यहाँ पे रोड क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए, इट वॉज लाइक अ टास्क। अगर आप लोगों को टास्क पसंद है तो कोलकाता जरूर विजिट करना, आपको बहुत सारे टास्क मिलेंगे।